सत श्री अकाल जी, पीटीसी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं हां नीलम शर्मा, बुलेटिन का आगाज करांगे वड्डी खबर दे नाल। अज सीएम दी रिहायश बारों धरना चुकणगे किसान, जित रैली कढ के संगरूर विच पक्का धरना खत्म किया जाएगा। दस दईए कल किसानां दी सरकार नाल सहमति बनी सी, खेतीबाड़ी मंत्री धालीवाल नाल मीटिंग विच मंगां ते सहमति बनी सी ते सरकार ने किसानां नूं लिखती भरोसा दे दित्ता। अज जित रैली कढ के अज धरना समाप्त किया जाएगा। दस दईए 20वां दिन अज इस धरने का संघर्ष, अगे पंजाब सरकार इत्थे झुकी हुई नजर आई, लिखती भरोसा दे दिता गया। अज जेतू रैली के रूप में इकट्ठ करके किसान धरना समाप्त करनगे। किसानां दीआं कई मंगां सन, जेकर सूत्रां दी गल कीती जावे तां प्रति एकड़ 25 तो लैके 26 क्विंटल तो वध झोना ना खरीदण दी शर्त वापस लैणा, पराली दी सांभ संभाल यकीनी बनाउण जां फिर मुआवजा देणा, फसली नुकसान दा कुदरती करोपी वजों ढुकवां मुआवजा यकीनी बनाउणा, किसानां नूं अपने खेतां विच्चों मिट्टी पुट्टण दी खुल देणा, भारत माला प्रोजैक्ट अधीन किसानां दी मंग पूरी करना। इसे मोर्चे विच दो किसानां दी मौत हुई ते बणदा मुआवजा उहनां दे परिवार वालियां नूं देणा, ये मंगा शामिल सन जिस दे बारे बीते दिन चर्चा की गई खेतीबाड़ी मंत्री धालीवाल दे नाल, जिस तो बाद मंगा ते सहमति बनी ते अज जेतू रैली दे रूप विच धरना समाप्त किया जाएगा। साडे सहयोगी रमन लगातार जुड़े हुए ने साडे नाल। रमन, किसानां दे संघर्ष अगे पंजाब सरकार झुकी है ते अज जेतू रैली ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ। ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ? बिल्कुल, क्योंकि 9 तरीक तो जिहड़ा धरना शुरू होया सी और पहला भी जथेबंदी लगातार उन्हां मंगां नूं लैके संघर्ष करदे जिन्हां ते कल सरकार वल्लों सहमति जताई गई, और जदों 9 तरीक नूं इह धरना शुरू किया गया इस तों समय गल कही गई सी बकायदा तौर ते मंच तों कि मंगा मन्नियां जा चुकियां ने पर उन्हां नूं सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर रही, असी जदों तक सरकार सानूं लिखित भरोसा नहीं दिंदे इह मोर्चा जारी रहेगा। हालांकि दिवाली दुशहरा इत्थे ही मनाया गया, तो अज जेतू रैली होगी क्योंकि कल सरकार वल्लों कैबिनेट मंत्री खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल वल्लों भरोसा दिता गया है कि तुहाडियां मंगां जिहड़ियां हैगियां उह मन्नियां पहलां जा चुकियां सी, उन्हां नूं इंप्लीमेंट भी जिहड़ा हैगा कल तक कर दिता जाएगा। मुख्य मंगा सी जिन्हां दे विच जिहड़े कणक दा झाड़ घट होया सी उहदा मुआवजा दिता जाए, गुलाबी सुंडी वाला जिहड़ा मुआवजा दिता जाए, जो बारिश दे चलदिआं फसल खराब हुई है उहदा मुआवजा दिता जाए, जो किसान शहीद होए ने किसानी अंदोलन दौरान उन्हां नूं नौकरी दा प्रबंध किया जाए, तो जो किसान इस मोर्चे दे विच शहीद होए उन्हां दे लई मुआवजा दिता जाए। तो यह तस्वीरां ने संगरूर मोर्चे दीआं जिस दी अज जेतू रैली तो बाद समाप्ति की जाएगी। तो तकरीबन ये 20 दिन धरना चलिया, 20 दिन सरकार दे सामने किसान अडोल रहे और आखिरकार सरकार नूं उसे मंच ते आना पिया जिस मंच की लगातार किसानों वालों मंग भी की जाती सी कि आओ गलबात करो, गलबात दे जरिए रास्ता निकलेगा, जेकर तुसीं साडियां गल्लां नहीं मन्नोगे, मन्नियां होईयां मंगां नूं लागू नहीं करोगे, तो यह धरने इस तरीके का जारी रहेगा। तो अज धरने की समाप्ति हो जा रही है, तकरीबन 12 बजे जिहड़े हैगे ने जोगिंदर सिंह उग्राहां जथेबंदी दे प्रधान ने वह अपने होर साथियों के नाल इत्थे पहुँचणगे, तो अज धरने की समाप्ति जी है इतों होगी, एक जेतू रैली होगी, किसान भी साढ़े नाल गलबात करांगे किस तरीके नाल दे दिओ 20 दिन जदोजहद करन तो बाद आखिरकार सरकार जागी, सरकार वल्लों मंगा मन्नियां गईयां ने, मन्नियां पहले जा चुकियां ने, इंप्लीमेंट करन दा भरोसा दिता गया, किस तरीके दा दे दिओ 20 दिन का संघर्ष? तां क्योंकि जथेबंदी का एक डिसिपलिन हैगा, इससे चलदे जिहड़े किसान ज्यादा जिहड़ा हैगा अपने आगुआं तो बिना जिहड़ा हैगा वह नहीं बोलते, तो यह तस्वीर है सवेर की तस्वीर हैगी, और तकरीबन 12 बजे जिहड़े हैगे ने जोगिंदर सिंह उग्राहां तमाम अपनी लीडरशिप के नाल पहुँचणगे और इत्थों धरने की जिहड़ी समाप्ति का ऐलान किया जाएगा, और एक जेतू रैली कढ के सरकार नूं जिहड़ा हैगा सरकार दे सामने उस तरीके नाल जिस तरीके नाल दिल्ली दे विच इक जेतू मार्च कढ़िया गया सी उस तरीके का मार्च कढ़िया जाएगा कि आखिरकार लंबे संघर्ष तो बाद लंबी जी है इतने लंबा समा बैठने तो बाद क्योंकि धूप भी इतने हंडाई है, सर्दी भी रात की इतने हंडाई है, तो आखिरकार जित हुई है, तो तकरीबन 12 बजे जी है मंच शुरू होगा, तो इस तो बाद धरने की समाप्ति का ऐलान किया जाएगा। रमन, बिल्कुल एक बार मुड़ तो संघर्ष की जित हुई है, वड्डा संघर्ष किया, 20 दिन घट नहीं होंगे इस तरह सड़कों से रुलण लई किसान मजबूर होए तो आखिरकार सरकार जागी। तो इस अलावा यूनियन के सूबा सीनियर मीत प्रधान ने सारे किसान मजदूरों ते बीबियां नूं अज दे दिन परिवारां समेत वहीरां कत्त के
के मोर्चे आने का सद्दा दिता है। कितों कितों पहुंच रहे ने किसान मजदूर इस समय? बिल्कुल, क्योंकि तकरीबन 12 बजे मंच शुरू करने का समा दिता गया तो अक्सर जोड़ा हों तकरीबन 11 बजे तो बाद जे इतने किसान पहुँचते हैं। अज वे इकट्ठ का इतने जोड़ा है वह कहा गया कि व्डा इकट्ठ किया जाए, एक जेतू रैली क्ढ़ी जानी है। तो सरकार ये भी नपड़े खड़ा वे कि किसान मंगा बनवाने तो बाद इस तरीके उठ खड़े, सरकार को यह भी दसया जाए कि इस जेतू रैली तो बाद कि वड्डी तादाद दे विच किसान एक होके ते इकट्ठा होने वाले ने। जिवें एक होका दिता जाता कि इकट्ठे हो सरकार नू अपनी ताकत दिखाओ, और जेकर मंगा जिहड़ियां कल इंप्लीमेंट करन दा भरोसा दिता गया आने वाले समय दे विच उह भरोसे नू सरकार तोड़दी है, तां इस इकट्ठ दे जरिए एक यह भी मैसेज दिता जाएगा कि इन्ना वड्डा इकट्ठ होर करके जिहड़ा है सरकार नू मजबूर किया जाएगा कि सरकार ने हाले भी साडियां मंगां जिहड़ियां मन्नियां इंप्लीमेंट करन दा भरोसा दिता उहनां ते पहरा ना दिता। तो इस तरीके दे नाल अज वड्डा इकट्ठ होवेगा, उस वड्डे इकट्ठ तो बाद जिहड़ी कि एक जेतू रैली दे रूप दे विच जिहड़ी इत्थों धरने दी समाप्ति होगी। तकरीबन 20 दिन जिहड़ा संगरूर दे विच मोर्चा चलिया सी तो उसकी अज समाप्ति होण जा रही है। तकरीबन 12 बजे मंच शुरू होगा और 3 बजे के करीब जिहड़े कि जेतू रैली की समाप्ति और किसान अपने घरां नूं चाले पाउणगे। तो 20 दिन संगरूर दे विच जो किसानी संग्राम चलिया तो उसका अज जिहड़ा हैगा समाप्ति होवेगी और किसानां दीआं मंगां जिहड़ियां मन्नियां जा चुकियां इंप्लीमेंट करन दा सरकार ने भरोसा दिता तां जो उस ते लगदी हुई नजर आवेगी। रमन, अगली रणनीति की रहने वाली है किसानों की, क्योंकि इस तो पहला कई बार मीटिंग सीएम मान नाल भी हुई ने किसानों दी, पर की होया सिर्फ मीटिंग तक गल सीमित रह जाती है। इसी तरह बीते दिन भी मीटिंग जरूर हुई है, लिखती भरोसा भी दे दिता गया, पर की किसान सैटिस्फाई ने? जेकर उन्होंने मंगा हुण भी नहीं पूरी की जाती तो उन्होंने अगे लई की रणनीति रहने वाली है? नीलम, बिल्कुल, क्योंकि अक्सर कोई भी जो धरने की समाप्ति होंगी है तो एक कोई सरकारी अधिकारी ज सरकारी नुमाइंदा जोड़ा है किसानों के किसी भी जथेबंदी ने गलबात करता और भरोसा जोड़ा है दिता जाता, क्योंकि देश आजाद होए नू लंबा समा हो गया, अज तक किन्नियां भी यूनियन उन्होंने भरोसा ही मिलता है। तो भरोसे तो ही बाद अक्सर जिहड़ियां धरने की समाप्ति की जाती है। जेकर भरोसे नू सरकार तोड़दी है कि जोगिंदर सिंह उगराहां की जथेबंदी इन्नी काबिलियत तो जरूर रखती है कि आने वाले समय के इन्ना वड्डा इकट्ठ करके उस तोड़े गए भरोसे के खिलाफ जिहड़ा है सड़क पर दोबारा उतर सकती है, क्योंकि डिसिप्लिन वाली जिहड़ी हैगी अपनी जथेबंदी है तो वड्डा इकट्ठ करन दी जिहड़ी क्षमता भी रखदी है। सरकार नूं भी चंगी तरह पता कि जेकर इस जथेबंदी दीआं मन्नियां होईआं मंगां जिहनूं इंप्लीमेंट करन दा भरोसा दित्ता, जेकर भरोसा टुटदा तां आउण वाले समें दे विच वड्डी मुश्किल दा सामना करना पै सकदा। किसानां नाल गल्लबात करन दी कोशिश करो इस मुतलक जो मैं सवाल पुछिआ है कि उहनां दी अगली रणनीति की रहण वाली है, जेकर कोई मीडिया दे रूबरू इस समें हो रिहा है किसे किसान नाल गल्लबात करन दी कोशिश करो। तो किसान साडे नाल जरूर ने पर गल कर जरूर हचकाउंदे जी, बाई जी हुण किन्ने 20 दिन हो गए तुहानूं इत्थे बैठिआं नूं, मंगा तुहाडीआं कल मन के भरोसा देता कि इंप्लीमेंट कर लांगे असीं, जेकर नहीं करदी सरकार टस तो मस नहीं हुंदी, इस तों बाद तुहाडा धरना चक्किआ जांदा, धरने तों बाद भी मंगा इंप्लीमेंट नहीं हुंदीआं लागू नहीं हुंदीआं, फिर की करोगे? फिर दोबारा मोर्चा? दोबारा मोर्चा फिर ला लांगे, दोबारा फिर लावांगे जी, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੰਚ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ? ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਗ ਚਲੋ ਬਾਗ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ ਫਿਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ? ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ? ਇਕੱਠ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੀ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਭਰਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਹੈ ਜੀ, ਮੰਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਟੇਜ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ 10 ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ
तकरीबन जिहड़े हैगे मंच संचालन भी जिहड़ा कुछ देर बाद हो जाएगा तो वड्डा इकट्ठ, क्योंकि पार्टी प्रधान का इशारा ये किसान भी उड़ीकते हैं जथेबंदी के नाल संबंध जिहड़े किसान ने, तो जथेबंदी के पांच आगू वड्डे फैसले लेंदे ने, उन्हां कोल सुप्रीम पावर हैगी, सुप्रीम कमेटी है, उन्हां दी जिहड़ी हैगी आ मीटिंग हुंदी आ बकायदा तौर ते, उस मीटिंग दे विच फैसला लिया जांदा। अज दे विच दिन दे लई जो फैसला लिया गया कि वड्डा इकट्ठ करना, इकट्ठ तों बाद जेतू रैली करनी है और जेतू रैली तों बाद धरने की समाप्ति करनी आ, तो तकरीबन 12 बजे जिहड़े जोगिंदर सिंह उगराहां पहुँचणगे, 12:30 बजे तक मीटिंग समाप्ति तों बाद मंच तों ऐलान किया जाएगा। इस तों बाद जिहड़ा हैगा किसानी संघर्ष संगरूर दे विच उह समाप्त हो जाएगा। जी रमन, फिलहाल तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। सो किसान मुड़ तो धरने ते बैठणगे जेकर उन्हां दीआं मंगां नहीं मन्नियां जांदियां। सरकार ने किसानां नूं बेशक लिखती भरोसा दे दित्ता है ते अज जेतू रैली भी कढ़ी जाएगी, पर जेकर हुण भी सरकार ने मंगां ना मन्नियां तां किसान तैयार ने, जेकर मुड़ ते संघर्ष करना पैंदा उसदे लई भी किसान तैयार ने। अज जित रैली कढ के संगरूर विच पक्का धरना खत्म किया जाएगा। कुछ ही देर विच वक्ख वक्ख थावां तों किसान मजदूर ते महिलावां जो किसान आगू ने वो पहुँचनियाँ शुरू हो जाएंगे, ते जिस तों बाद अज मंच तों संबोधन किया जाएगा ते अगली रणनीति भी उड़ीकी जाएगी। सरकार ने किसानां नूं लिखती भरोसा दिता है, जिस तों बाद अज जित रैली कढ के धरना किसानों वालों चुकया जाएगा। अज सीएम रिहायश बारों किसान धरना चुकणगे, इत्थे तस्वीरां तुसी वेख सकदे हो, बिल्कुल उस तरह दीआं तस्वीरां इत्थों सामने आईआं सन जिस तरह सिंघू बार्डर ते पिछले साल इस तरह दीआं तस्वीरां सामने आईआं सन ते खेतीबाड़ी मंत्री नाल बीते दिन मीटिंग हुई ते मंगां ते सहमति बन चुकी है किसानां दी, ते अज जेतू रैली कढ के इकट्ठ करके अज इस धरने नूं समाप्त किया जाएगा। ब्रेक तो बाद मुड़ तो हाजर हाँ, रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा सरकार वालों गुरुद्वारों लई बनाई वक्री एडॉक कमेटी के मामले में एस जी पी सी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने हरियाणा सरकार से निशाने विन्ने ने। उन्होंने कहा पंथ में वंड पाउण दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने, सिखां दे मामलिआं विच सरकार दखल अंदाजी कर रही है। हरियाणा सरकार वालों जारी नोटिफिकेशन नूं उन्होंने रद्द किया। हरियाणा सरकार के हत्थां विच गुरुद्वारों का प्रबंध चला जाएगा। हरियाणा कमेटी मैंबरां नूं अपील भी की कि हाले भी कुछ नहीं विगड़िया, श्री अकाल तख्त साहिब के झंडे हेठां इकट्ठे होइए, सिखां दे मामलिआं विच सरकार दखल अंदाजी करी है, कहना एस जी पी सी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी दा। दस दईए हरियाणा वालों एच एस जी एम सी एक्ट विच सोध करके नोटिफिकेशन एक जारी किया गया है। हरियाणा सरकार वालों बनाई एडोक कमेटी का विरोध किया एस जी पी सी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने। इतने यह भी दस दईए सरकार वालों 41 मैंबरी कमेटी के गठन लई ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, तो सरकार वालों नामजद मैंबर जो है वह कमेटी का प्रधान चुनणगे। इस अलावा जो होर अहुदेदार होणगे वह भी यही कमेटी के मैंबर चुनणगे। तो हरियाणा सरकार वालों गुरुद्वारों लई बनाई वक्री एडोक कमेटी के मामले में एस जी पी सी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने हरियाणा सरकार से निशाने विन्ने ने। उन्होंने कहा पंथ में वंड पाउण दीआं कोशिशां कीतीआं जा रही ने, सिखां दे मामलिआं विच सरकार दखल अंदाजी कर रही है। हरियाणा सरकार वालों जारी नोटिफिकेशन नूं उन्होंने रद्द किया। हरियाणा सरकार के हत्थां विच गुरुद्वारों का प्रबंध चला जाएगा, यह कहना एस जी पी सी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी का। उन्होंने हरियाणा कमेटी के मैंबरों को अपील की कि हाले भी कुछ नहीं विगड़िया, श्री अकाल तख्त साहिब के झंडे हेठां आओ इकट्ठे होइए। अक्तूबर नूं एक नोटिफिकेशन हुई हरियाणा सरकार वालों गवर्नर वालों, इहदे विच जिहड़ा असीं खासा जाहिर करदे सी कि सरकार सीधी दखलअंदाजी कर दूगी, वो इहदे विचों बिल्कुल प्रतख नज़र आउंदी आ। इहदे विच कीता कि उन्होंने कि ऑल द 41 मैंबर सो नोमीनेटड बाई द गवर्नमेंट शैल इलैक्ट देयर प्रेजिडेंट्स सीनियर प्रेजिडेंट एटसट्रा, जिहड़े उन्होंने एक विचों रखिया। ये एडहॉक कमेटी जिहड़ी आ ये सरकार ने नोमीनेट करनी है, ना कि उत्थे दी संगत ने नोमीनेट करनी है। इहदे विच एक होर गाह फरदर होर प्रोविजन पाता, इट विल एग्जिस्ट फॉर 18 मंथ्स, आफ्टर 18 मंथ्स वट विल हैपन प्रोवाइडेड फरदर दैट इफ इलैक्शन अंडर सैक्शन 11 आर नॉट हैल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 18 मंथ, अर्लीअर जी 18 महीने वो नहीं चोन होंगी जी नोमीनेट सरकार ने करनी है,
फिर ए न्यू एडहॉक कमेटी शैल बी नॉमीनेटड बाई द गवर्नमेंट फॉर ए फरदर पीरियड ऑफ 18 मंथ मीनिंग देयर बाई के 3 साल की जी उन्हें इस नोटिफिकेशन दे एक दे दी आ जी एडहॉक कमेटी वो सरकार बनाऊगी। हुण एक सवाल पैदा होंदा कि इहदे विच पैरा नंबर 2 सबसैक्शन 2 का पैरा नंबर 9 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जिहड़ा बहुत अहम रखता सिखां लई कदे भी सिख बर्दाश्त नहीं करते द गवर्नमेंट मे नॉमीनेट वन ऑफ द मैंबरस ऑफ द कमेटी और द एडहॉक कमेटी एज द केस मे बी एज पैटर्न। हुण सिखां दे विच पैटर्न केवल तो केवल गुरु ग्रंथ साहिब साडी सरप्रस्ती करते आ दूसरी सरप्रस्ती साढ़े श्री अकाल तख्त साहब करते हैं। मैं निम्रता सहित दादूवाल साहब झिंडा साहब तो उन्होंने नाल अरोड़ा साहब तो नलवी साहब उन्होंने बेनती करदा नोटिफिकेशन आए आप इदा ही चलाया तो फिर जिदा अज नंदेड़ साहब का अबचल नगर नंदेड़ का चलता तख्त इवें थोड़ी कमेटी भी चलूगी। इस खादा सानू खादसा सी खादसा अज सानू प्रतख नज़र आ रहा। थानू निम्रता सहित बेनती है डुले बेरों का हाले भी कुछ नहीं बिगड़िया। मैं कुछ दिन पहला भी बेनती की सी कि तुसी श्री अकाल तख्त की शरण में आवो जे आप शरण अकाल तख्त की आवेंगे सारे मसले हल हो जाएंगे तो जे आप ना आए कि चूक कर गए तो फिर इतिहास ने सानू माफ नहीं करना। आता हूँ प्रतख सारा कुछ सानू दिस रहा कि जिदी पैटर्न एक मनुख करूगा तो साढ़े का पवित्र सिद्धांत जिदे अज आप खड़े हैं सब सीखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ उस सिद्धांत को मध्यम पाउण दा अज कोझा जतन जिहड़ा आ हो रहा। सो मैं ये जिहड़ी नोटिफिकेशन इहनू स्ट्रोंगली कंडैम भी करदा सरकार नू भी कहना इवें दे सीधे मसले उलझाओ ना ये धार्मिक मसले आ। पहलियां सरकारां भी उलझाउंदियां रहियां साढ़े सामने नतीजे आ क्योंकि सिख पंथ की एक अदुत्ती सिद्धांत जिहड़े सानू सतगुरु जी ने बख्शिश कीते सी वो अदुत्ती सिद्धांत गुरशब्द दे नाल जुड़े आ श्री अकाल तख्त साहब दे नाल जुड़े आ पंजां प्यारियां दे नाल जुड़े आ। सो इस करके जिहड़ा असीं बड़े लंबे अरसे का खासा करते सी कि सरकार सीधी दखलअंदाजी करूगी वो दखलअंदाजी अज प्रूव हो गई आ। उन्हां नूं भी बेनती करदा कि इहो जिहियां कारवाइयां करन लगे कलू कि एक होर नोटिफिकेशन कर दोगे भई ये तो 10 साल लई सरकार बनाती तो फिर आके तुसीं साडे हरियाणे दे सत्कार तो वीर आ फिर जदोजहद करांगे चंगा नहीं लगू। अजे ही आपां इस बैनर दे थले इकट्ठे होईए सिख कौम मरा भरा मारू जंग दे विच कदे भी यकीन नहीं रखदी पर अज सानू उधरले वालों प्रेरिया प्रेरणा की जा रही है। सो कदे भी सिख ने बर्दाश्त नहीं किया बहुत ये एक साडे लई दुखदाई इन्होंने आह जी नोटिफिकेशन की आते हरियाणे के लिए खास करके असी कानूनी चारा जोरी भी कर रहे हैं और दूसरी चारा जोरी लोगों सतां दे विच जा के ये भी जदों तक ये वापस नहीं होंगे उद तक असं जारी रखांगे। साका श्री पंजा साहिब शताब्दी समागम लई श्रोमणी कमेटी का दूजा जत्था अज अटारी वागा सरहद राही पाकिस्तान विच दाखल होवेगा। श्रोमणी कमेटी के प्रधान धामी ने कट्टे गए वीजे मुड़ देण ते खुशी प्रगटाई है। दूसरी बेनती 26 ते 27 तरीक नूं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म प्रचार कमेटी के श्री दरबार साहब के प्रबंध वालों 2 दिन असीं इत्थे वड्डे समागम पंजा साहब के साके 100 साल शताब्दी को समर्पित इतने वो मनाए सके तो 29 ते 30 तरीक असी पंजा साहब की उस धरती से जा रहे हैं जिथे कल एक जथा चलिया गया अज दूसरा जथा क्यों साढ़े कुछ वीजे लेट हो गया सी। पहला तो सरकार मैं उन्हों का धन्यवाद भी करना दिते हाले भी 1440 के बच्चों फिर बाकी कट लए इदा के गुरधामों की यात्रा वेले जल्द साढ़े सारा जथा जाता उत्थे सारे के वीजे जोड़े आ इशू कर देने चाहिए आ। सो कल उत्थे सतगुरां दी चरण छरण दे विच आ सारा जथा अज जिहड़ा जा रहा ये सारे जाके उत्थे नमस्कार भी करांगे महान शहीदां नूं उत्थे श्री खांड पट्टां साहिबां दे भोग भी पाए जाणगे सिंह साहब भी नाल जाणगे सारे दिन दे समागम जिहड़े आ उह उत्थे मनाए जाणगे।